दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। चिकन बिरयानी 5 रुपए, बहुत अच्छे भाई, कमाल हो गया। दिल्ली में तुमको नारा लगाने का 5 रुपया मिला। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? बोलिए। बड़े पत्रकार हो, लाना तो तेरी पत्रकारिता पर। मिली हवाओं में उड़ने की ये सजा यारो कि मैं जमीन के रिश्तों से उठ गया यार। दीपक चौरसिया के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। और इसी पर बात करने के लिए कि आखिरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है, गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और देखिए अभी भी आपने क्या टी शर्ट पहन रखी है, शेर शेर दंगा, ये देखिए क्या पहन रखा है, शेर शेर दंगा। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। इसको इतनी मजेदार न्यूज मिल कहां जाती? आप जज कितने अवतार हैं आपके, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। आपको ना जलन हो रही है कि मेरा स्वयंवर टीवी पे हुआ और आपका नहीं हुआ। किसका तबला बजाएंगे? मैं आप ही का तबला बजा दूंगी। अगर ये विग निकल जाए तो मैं आपसे पत्रकारिता दिखाओ। हाँ, ये विग नहीं है, सच्चे बाल है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये अगर सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो वो आप मीडिया वाले लोग हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आतंक मीडिया बंद करवा दीजिए भाई, बहुत सारे लोग करवाएंगे, बंद करवा दीजिए ना, बंद करवा दीजिए, बंद भी करवाएंगे ना, और वहीं पर आके आप जैसे लोग बंद करवाएंगे, आप जैसे लोग पीएफआई का विरोध नहीं करेंगे, लोगों के क्योंकि मुस्लिम संगठन है, आप लोगों के लिए देश पहला नहीं है, आप लोगों के लिए जब पहले यूट्यूब के ऊपर आप जैसे आतंकवादियों की जगह टीवी चैनल्स पे नहीं है बल्कि सलाखों के पीछे है जो काम करे। मेरा मुंह साल निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। 35-40-45 दिन लगातार और 70% टीवी कवरेज, मतलब मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या हमने कभी पत्रकारिता नहीं की? क्या बाकी लोगों ने पत्रकारिता नहीं किया क्या? और इनको मालूम क्या है कि सरकार कैसे अपनी जमीन गंवा दी, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे किस तरीके से हो रहा है मामला, जुडिशरी पर किस तरीके के दबाव पड़ रहे हैं, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? प्रशांत भूषण का मसला, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? बहस क्या होनी चाहिए कि पड़ोसी का कहीं पहरेदार मिल जाए, कहीं कोई गार्ड मिल जाए, कहीं कोई कुक मिल जाए? अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता, ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के समर्थन में है या फिर आपको पता है कि जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई शायद आप पैदा भी नहीं होंगे,
आपको पता है मकबूल भट्ट के ऊपर आरोप क्या? देश के ऊपर जब आजादी हुई तब आप नहीं पैदा हुए, देश की आजादी की आप भी नहीं पैदा हुए थे, और मैं उस आजादी की बात भी नहीं कर रहा। जब संविधान देश में लागू हुआ तब आप पैदा नहीं, पैदा नहीं हुए, आप भी पैदा नहीं हुए, आप भी पैदा नहीं। ये कोई तर्क नहीं है, तो मैं सवाल पूछने में जवाब दूंगा। मेरा सवाल ये है कि प्रियंका जी ने दिल्ली के रोड शो में कहा था कि जीएसटी और नोटबंदी पर अब के चुनाव हो जाए, दो दौर के चुनाव हो जाए, जिसमें एक चुनाव तो हो चुका है, एक अभी बाकी है 19 तारीख को। हमने न्यूज नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था दो दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका, और आपने 3/4 मेजोरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती, और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, वो तो कविता लिखी हुई, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था, जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया? सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की आवाज़ बेरोजगारी की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, किसानों की हालत की बात कर रही है, और जो आक्रमण नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी पे किया, गब्बर सिंह टैक्स पे किया, उसकी बात कर रही है। और 23 तारीख को पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, पता लग जाएगा किन चीज़ों पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, वो तो क्लियर है। चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया था, चूंकि ये बात उठी है। भारत के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े, और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। क्या आप इसको मौलाना साद का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? अभी सुन, अरे अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया, तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, सुवर की शक्ल के। अरे ना, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, प्लीज, नेशनल टेलीविजन है ये। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर, अपने जज्बात को काबू में रखकर, अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें।